Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So yesterday we have already started our chapter, the retirement and death of a partner, and today we will do a topic that is gaining ratio, calculation of gaining ratio in this chapter. So gaining ratio kya hai? हमने कहा था कल कि अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है, तो उसके कारण जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें वो उसी पार्टनर का, जो पार्टनर रिटायर हो चुका है या जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका शेयर उसे मिल जाएगा. जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो गेन में चले जाएंगे, क्योंकि जो एक शेयर हम किसी को पहले दे रहे थे वो शेयर वापस फॉर्म के अंदर आ जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट. तो हम क्या कहते हैं कि गेनिंग पार्टनर्स जो है, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे, वो हमेशा एक रेशो में, एक गेन में माने जाते हैं. तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशो. लेकिन गेनिंग रेशो के अंदर जो हमारा टॉपिक गेनिंग रेशो है, उसके अंदर भी हमारे टू पार्ट्स डिवाइड हुए. दैट इज, अगर तो If या फिर when agreement doesn't exist, यानी कि अगर वहाँ पे कोई agreement नहीं है, कुछ बताया नहीं गया कि किस ratio में आप gain करोगे, remaining partners क्या उनकी ratio होगी, तो जो उनकी पहली ratio होगी before the retirement वही उनकी ratio बाद में भी रहेगी, क्योंकि हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया. तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेके आपको कहूँ कि हमारी फर्म में, फॉर एग्जांपल, ए बी सी थ्री पार्टनर्स 3:2:1 में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सपोज ए जो है वो रिटायर हो गया और हमारे कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो हमारी जो रेशियो है, हमने अभी क्या किया कि वो रेशियो बिल्कुल सेम रह जाएगी, जो पहले थी वही रेशियो अब रह जाएगी. तो ए रिटायर हो गया, तो ए चला गया, तो पीछे रेशियो क्या रह गई, 2:1. अगर ए चला गया तो जो बी है और सी है उनकी ऑटोमेटिकली रेशियो क्या बन जाएगी, 2:1. ठीक है जी. इसी में हमारे पास सेकेंड केस आता है, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन. अगर हमें पहले ही उनकी रेशियो बता दी जाती, तो सपोज मैं एग्जांपल लूं कि हमारे पास ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, वो 1:10, 1:2, 3:10 और 1:5 रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. लेकिन बी जो है वो रिटायर कर गया, और उन्होंने बोला कि जो बी रिटायर कर जाएगा जब, तो ए और जो सी है वो फ्यूचर में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. तो हमें फ्यूचर की रेशियो बता रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से गेन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस केस में हम गेन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, क्योंकि न्यू शेयर हम मानते हैं कि गेन में जाएगा, हमें फ़ायदे में होगा इसलिए वो बड़ा होगा, और ओल्ड शेयर जो है वो कम होगा, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड. तो अगर हम ए की निकालें सिर्फ, तो ए का न्यू शेयर क्या है, 3:5, और ओल्ड शेयर क्या था, 1:2. तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका गेन क्या आ जाएगा, 1:10. ठीक है जी. तो ऐसे ही हम सी का कैलकुलेट करेंगे और इसके हिसाब से हमारा जो गेनिंग रेशियो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन इस केस में जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले थी, वही हमारी जो है गेनिंग रेशियो बन जाएगी. डन. तो हम अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, योर बुक टी एस गरेवाल. और टी एस गरेवाल का हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं.
दोस्तों, रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग ए पार्ट में हमारे पास W, X, Y, Z हमारे पास पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो बता रखी है. Y रिटायर हुआ है और फ्यूचर रेशो बोला है इक्वल है. तो हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है जैसे हमें सेकेंड पार्ट में किया है. और ऐसे ही हमारे पास बी पार्ट है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो बता रखी है और सी रिटायर हो गया है. उन्होंने कहा है कि ए इज़ एक्वायरिंग 4/9 शेयर ऑफ सी का. सी रिटायर है, सी का 4/9 पार्ट जो ए ले रहा है और बाकी का कौन लेगा? बी. तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. बुक का क्वेश्चन नंबर 6. ए पार्ट के अकॉर्डिंग ओल्ड रेशियो W, X, Y और Z की है 1/3, रेशियो 1/6, रेशियो 1/3, रेशियो 1/6. सबसे पहले हमारा काम है इन सभी को इक्वलाइज करना. तो जब हम सबसे पहले इन सभी को इक्वलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम करके करेंगे. तो अगर 6 से डिवाइड करें तो 2:1:2:1, तो हमारे पास रेशो निकल आई 2:1:2:1. डन. फिर हमें न्यू रेशो बता रखी है. न्यू रेशो इक्वल्स टू W रेशो X रेशो Z, क्योंकि Y रिटायर हो गया है, वो क्या है 1:1:1. तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. डन. तो हम वाई एक्स एंड जेड का अगर कैलकुलेट करें गेनिंग रेशियो, तो वाई का W का क्या है 1/3 माइनस 2/6. तो ये हमारे पास क्या आ गया? 0. इससे कोई गेन नहीं हुआ. X का क्या है 1/3 माइनस 1/6. तो ये हमारे पास कैलकुलेट हुआ 1/6. इसे 1/6 का गेन हुआ. और ऐसे ही Z का निकालेंगे 1/3 माइनस 1/6, तो इसे भी गेन हुआ 1/6 का. तो हमारी गेनिंग रेशियो निकल आएगी. गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू 0:1:1. डन. नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है. बी पार्ट के अकॉर्डिंग हमें ओल्ड रेशियो दे रखी है. ओल्ड रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, दैट इज 4:3:2. हमने कहा है कि प्रॉफिट जो शेयर सी का है, सी का जो शेयर है उसका ए और बी वो दोनों एक्वायर कर लेंगे. क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारे पास कि जो सी पार्टनर है वो रिटायर हो जाएगा और उसे एक पर्टिकुलर रेशियो में ए और बी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे शेयर. तो ए का एक्वायर्ड शेयर निकाल लेंगे. एज एक्वायर्ड शेयर, सबसे हम पहले हमें पता होना चाहिए सी का क्या शेयर था. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2/9 था और ए ने एक्वायर किया 4/9 शेयर. तो ये बन गया 8/81. तो बी ने कितना एक्वायर किया होगा? बीस एक्वायर्ड शेयर कितना होगा? टोटल शेयर सी का कितना था? 2/10. ए को कितना दे दिया उसने? 8/81. तो कितना शेयर बच गया हमारे पास? 10/81. तो हमारे पास यहाँ से न्यू शेयर निकल आएगा. एज न्यू शेयर, दैट इज ओल्ड शेयर, दैट इज 4/9 प्लस जो शेयर उसने एक्वायर किया है, दैट इज 8/81.
तो ये टोटल बन जाएंगे हमारे पास 44/81। ऐसे ही हम b का कैलकुलेट कर सकते हैं और c का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो b का क्या होगा हमारे पास, c तो रिटायर ही हो गया, तो b का कैलकुलेट कर लेंगे। तो b का क्या पार्ट है, 3/9 प्लस 10/81, तो ये बन गया 37/81। तो न्यू रेशियो क्या आ गई, 44:37, ये हमारी न्यू रेशियो है। ऐसे ही हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। गेनिंग रेशियो डैट इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का कैलकुलेट करेंगे, बी का कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है, 44/81, ओल्ड कितना था, 4/9। तो इनको इक्वल करके वी गेट 8/81। और ऐसे बी कैलकुलेट करेंगे, बी का न्यू शेयर कितना है, 37/81, और इसमें से हम माइनस कर देंगे, 37/81 में से माइनस कर देंगे 3/9। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट बच जाएगी 10/81। तो हमारी गेनिंग रेशियो क्या कैलकुलेट होगी, 8:10, जिसे हम सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं, 4:5। So this is all about your topic, that is gaining ratio in our chapter retirement and death of a partner. So tomorrow we will continue with this. See you tomorrow, and you have to write down all the questions, you have to solve all the questions given in your homework, and see you tomorrow. Thank you.